कानपुर की 55 यूपी बटालियन एनसीसी के ब्रिगेडियर बीपी सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को दी जानकारी। कामना देता हूँ आप सब लोगों ने जो योगदान किया, जीवन यहाँ पे आके खड़े हुए सबको मिलता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है, उपाध्यों को देता है। इसलिए जो भी किसी समारोह में शामिल हुए हैं आप सब लोगों को मैं कॉम्पेंसेशन देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर प्रिया सिंह जी, ब्रिगेडियर ए के शर्मा, एनसीसी ग्रुप कानपुर के ऑफिसर साहिबान, स्टाफ, प्रिय कैडेट्स और देवियों और सज्जनों, रोज की तरह आज भी सवेरा हुआ प्रचंड सूर्य देवता किरणों से एक और दिन उजागर हो गया और समय के सागर में एक और दिनांक यानी कि 12 मार्च 2021 शामिल हो गई। आज का दिन भी एक आम दिन होता है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति ने इस दिन को विशेष बना दिया। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो उस तिथि से तारीख बन जाते हैं। आप सबके और मेरे जीवन में सबसे अहम दिन हमारा जन्मदिन है, वो इसलिए जन्मदिन के बगैर तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो ये समझिए कि हमारे इस विशाल भारत देश का जन्मदिन कितना अद्भुत होगा। सच में हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारा सबसे करूंगा वीरों का मोल ज्यादा होता है, हमारा स्थापित करेगा यानी कि हमारा प्लैटिनम जुबली इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हम खुशियां भी कुछ ज्यादा मनाएंगे। लेकिन 15 अगस्त हमारी आजादी के लिए अपने प्राण तक छावर करती है। ऐसी दिग्गज शख्सियतों में श्रेष्ठ पायदान पर विराजमान हैं हमारे प्रिय और अत्यंत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज के दिन एनसीसी के सौजन्य और हमारे साथ जुड़ी शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से हमारा अतीत और भविष्य दोनों ही इस प्रांगण में विराजमान हैं। एक ओर आज़ाद जी की विशाल स्वरूप और दूसरी ओर खाकी यूनिफॉर्म और लाल हैकल से सुसज्जित हमारे एनसीसी कैडेट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज मिली प्रेरणा से उनका और हमारे देश का और भी प्रज्वलित होगा। मैं आदरणीय डॉक्टर डीआर सिंह जी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें विश्वविद्यालय में इस समारोह के आयोजन का अवसर दिया और हमारे देश के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की सेवा में जुड़ने का रास्ता प्रदान किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज ब्रिगेडियर ए के शर्मा भी हैं। भारतीय सेना में 34 साल की उत्कृष्ट सेवा के बाद आप सितंबर 2012 में वेटरन बन गए। कानपुर के साथ आपका नज़दीकी रिश्ता है और वो इसीलिए नहीं क्योंकि ये आज
आपका निवास स्थान, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जनवरी 2007 से दिसंबर 2008 तक आप यहाँ पर ब्रिगेड कमांडर, स्टेशन कमांडर और रेजिडेंट कैंट बोर्ड भी रहे। ना केवल आपका सुनहरा सेना का कार्यकाल, लेकिन आपकी सिविल लाइन में उपलब्धियाँ भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं एनसीसी ग्रुप कानपुर की ओर से दोनों महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ और हमारे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एनसीसी ग्रुप कानपुर के कैडेट्स को भी शाबाश देना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा की सच्चे मन से सेवा की है और उनके अभिभावकों ने एक छोटा सा कार्यक्रम भी पेश करने जा रहे हैं। अंत में उपस्थित दर्शकगणों का और खास तौर पे हमारे पत्रकार मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके आने से हमारा मनोबल और भी बढ़ गया है। इसी कामना के साथ कि हम सबको अपने देश को और समृद्ध, कुशल और सुदृढ़ बनाने के मौके आगे और भी मिलते रहे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव में आए हुए गणमान्यों को किया गया सम्मानित। ठीक है, तो आप सब लोगों को इस बात के बारे में मालूम है कि 2021 में आने वाली जो 15 अगस्त है वो हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला किया, क्योंकि 75 का फिगर है, तो आज के दिन में यानी कि 12 मार्च 2021 में पूरे देश में 75 ऐसे महानुभाव जो हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी में या आज़ादी के बाद कोई बड़े योगदान दिए हैं, उनका आदर सत्कार किया जाएगा। तो जिस तरह से आज ये कार्यक्रम कानपुर में हो रहा है, इसी तरह से 74 और पूरे देश की जगहों में सेम इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और कितने लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में? आज के दिन में यहाँ पे करीब 20 ऑफिसर और हमारे 100 कैडेट्स हैं। तो और आप ये सारा का सारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये एनसीसी के सौजन्य से किया जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे कानपुर एनसीसी के ग्रुप का कमांडर हूँ। तो इधर जो आए उपस्थित ऑफिसर्स हैं वो भी एनसीसी के हैं क्या, और आपने हमारे खाकी और लाल हैकल में कैडेट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे दोनों बातें होती हैं, एक तो हमारे कैडेट्स को हमारे जो बड़े शूरवीर रह चुके हैं उनके बारे में उनको प्रोत्साहन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और साथ में ये ऐसा नहीं कि आज का दिन ये कार्यक्रम हमने किया और उसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को हम भूल जाएंगे। तो साथ साथ में ये भी हो रहा है कि इस प्रतिमा को हमने जो है इसका चार्ज ले लिया है, तो आज के दिन के बाद से इसकी देख रेख, इसकी सफा सफाई। कितनी प्रतिमाओं को आप चार्ज? कानपुर में ये सिर्फ एक ही, क्योंकि ऐसा है कि कोई चीज़ स्पेशल है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज के दिन में जब हमने पूरे के पूरे कानपुर में सोचा कि अगर आप मानने कि कानपुर जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, झांसी तक फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो ऐसी कौन सी शख्सियत होंगे जो जिनको ये दर्जा दिया जाए कि पूरे कानपुर में नंबर वन प्रतिमा उनकी है और उसी प्रतिमा का आदर सत्कार करना है। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना, और उसका भी कारण है, उनके बारे में क्रांतिकारी एक बहुत बड़े योद्धा रहे हैं हमारे, वो तो आप जानते ही हैं, पर मुझे मालूम नहीं क्या आप जानते हैं नहीं कि उनका जो निवास स्थान है, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज उन्नाव में रहते थे, और उन्नाव से बाद में वो पैदा तो उन्नाव में नहीं हुए, वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। तो दोनों बातें हो जाती हैं कि एक तो हमें ऐसी बड़ी शख्सियत को नमन करने का मौका मिला, और साथ साथ में उनका
वो कानपुर के साथ भी जुड़े हैं और हमारे सारे के सारे कैडेट्स आज के दिन में एनसीसी ग्रुप कानपुर में 15,000 कैडेट हैं और इनमें से सभी के सभी कैडेट्स 15,000 के 15,000 कानपुर के ही। तो ज़रूरी था कि हम कानपुर का भी साथ में ध्यान रखें। आजाद जी की मूर्ति क्यों और भी स्वतंत्रता सेनानी है। हाँ सर, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हमने चालू हुआ चुनने की कोशिश करी तो बिकॉज यहाँ पे आपको मालूम है कि 7 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद मानिशा जी डॉक्टर अंबेडकर इस तरह से कई सारे लोग हैं। तो लेकिन सबसे पहला जब आप किसी की स्तुति करते हैं तो मैंने कहा ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबके दिलों के साथ जुड़ा हो। तो आज के दिन में अगर मैं किसी फौजी की बात करता हूँ तो आप कहेंगे यार फौजी तो हम जानते हैं उसके बारे में, पर हो सकता है कि सभी लोग उनको ना जानते हों। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जो पुराने लोग तो जानते ही जानते हैं, पर आपको याद होगा जब रंगदेव बसंती पिक्चर बनी थी तो उसमें मुख्य नायक का काम किया था आमिर खान ने, तो आमिर खान ने भी किरदार किसका दिया था, आज़ाद का ही दिया। तो ये बड़ी ऊंची हस्ती हैं और इसलिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना। आपने कैडेट्स को क्या आप देना चाहेंगे आगे राय? कैडेट्स को देखिए एक एनसीसी कैडेट की खासियत ये है कि बाकी तो राष्ट्र सेवा कई सौ करते हैं, स्काउट्स भी करते हैं, इनके पास एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है। जैसे ही आपने किसी को यूनिफॉर्म दे दी तो आपने उसके साथ एक डिसिप्लिन जोड़ दिया उनको। हम जैसे कुछ फौजी कार्रवाइयाँ भी सिखाते हैं, मैप रीडिंग हो गई, वेपन ट्रेनिंग हो गई, ड्रिल हो गई, तो एक तरह से उन्हें आगे फौज में या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि आप लोगों के मन में ये जज्बा हो कि मैं भी भारतीय सेना में पुलिस में ITBP में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ऑफिसर ना बन पाया तो जवान बनना चाहता हूँ। और इसलिए अगर आप समझेंगे तो एक शांतिपूर्ण भावना भी अच्छी होती है, लेकिन जो जवान लोग हैं उनके दिल में जो जोश पैदा करना है तो वो जोश पैदा करने के लिए आपको ऐसे लोगों के बारे में याद करना पड़ेगा जो अपनी जान पे खेल सकते हैं, तो वो उनको हम अपना हीरो कहते हैं इस तरह से। और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए ऐसा है कि जनता की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, तो देश की सेवा सब करते हैं, आप भी हमारी बात जो है सबके तक पहुंचाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं वैसे भारतीय सेना को आपको मेरी यूनिफॉर्म से ये साफ बात प्रतीत होती है, लेकिन आज के दिन में मैं भारतीय सेना का अकेला ही रह गया, मेरे साथ कानपुर का नाम जुड़ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे ग्रुप का नाम NCC ग्रुप कानपुर है, मतलब उसके नाम में ही कानपुर जुड़ा हुआ है। पर कानपुर के साथ मैं कैसे जुड़ पाता हूँ? कानपुर के साथ मैं जुड़ पाता हूँ क्योंकि यहाँ के जो परिवार हैं, जो आम जनता है, उनके बच्चे वो हमारे साथ आके NCC कैडेट्स रहते हैं। तो इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और वैसे भी हमारा बड़ा लिंक है कानपुर की जनता के साथ, और हम बड़े आभारी हैं कि आप सब लोगों की सेवा करने का मौका मिला।